गाइस अस्सलाम वालेकुम नमस्ते वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। जैसे कि आप सभी लोग को पहले पता होगा कि हम लोग ने एक बॉक्स लाया था, वो बॉक्स अभी तक हम लोग ने अनबॉक्सिंग नहीं किया है। तो हमारा यहाँ का रूम आज चेकआउट हो रहा है, हम जा रहे एक और जगह पे जहाँ पर का व्यू जो है ना बहुत प्यारा है। तो आपको पिछले वीडियो में हम लोग ने बताया था उस होटल जा रहे, हम लोग को लगा कि नहीं मिलेगा पर मिल गया। नसीब हमारे के वो रूम, अंकल को मैंने फोन करी मॉर्निंग उठ के भाई क्या हुआ अंकल, तो अंकल बोले नहीं नहीं आप लोगों के लिए रखा है, आप लोग आ जाओ। तो फिर इधर हमने बोल दी कि आज चेकआउट कर देंगे हम। इसी तरह वीडियो में बने रहो, हम लोग जाते काफी लेट हो गया, 7 बजे। चलो मिलते हैं 6 बजे का चेकआउट। हम लोग को तो होटल तो मिल गया, इतने बड़ा टास्क सभी है कि इतना बड़ा बैग उठा के लेके कैसे जाओगे। जो सरप्राइज है ना वो इसी बैग में है, इतना भारी है, समझ रहे हो। चलो ये हो गया लॉक। अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, सुबह हम लोग ने कुछ नहीं खाया। इधर की सीढ़ी देख रहे हैं एकदम छोटी सी है, जगह भी स्पेस भी बहुत कम है, तभी भी जो भी बना बहुत अच्छा था। जाते हैं पहले कुछ खाते हैं फिर घर में दरबार। चाचा अभी जा रहे हो उधर से, निकाल के लाके देते हैं तुमको, ठीक है? नहीं ऑनलाइन करना हो तो ऑनलाइन भी कर देना। बड़ा हरामी हो बेटा। कल क्या हो गया था कि कल हम लोग अनबॉक्सिंग करना था, वो नहीं हो पाया कुछ रीजन की वजह से। तो फाइनली आज पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आज फाइनली वो अनबॉक्सिंग हो जाए, जो चीज का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और मैं भी खुद ही इंतजार कर रहा हूँ वो चीज का। और अभी अदा गई है खाना खाने, मैं भी उधर जा रहा हूँ क्योंकि मैं आ रहा था ना, तो इसलिए आधा चली गई हो। और जब ऑर्डर देते हैं ना तो खाना आने के लिए बहुत टाइम लगता है, इसलिए आधा पहले ही चली गई है और मैं फटाफट रेडी हो चुका हूँ अभी। यह हमारा रूम पूरा क्लीन वगैरह हो चुका है और व्यू देखो। मुझे लगा कि तुम खा चुके रहेंगे, मेरे को इतना लेट हो गया आना। बहुत भूख लगे खाना खाने के बाद। आप जो बॉक्स में देख रहे थे आप सोच रहे हो गए कि उसमें क्या है, वो चीज ये है। बॉक्स से तो मैंने बाहर निकाल दिया है, लेके आने के लिए इतना बड़ा बॉक्स था आपने जैसा देखा था, पर उस बॉक्स में ये चीज है। पर अभी तुमको भी नहीं पता, मुझको भी नहीं पता और बहुत सारे लोगों को तो पता चल गया होगा इसमें क्या है। अभी हम लोग जा रहे हैं। अदा जल्दी से रेडी हुए क्या? चलो अदा अदा उठा लेगी क्या है? नहीं मैं नहीं उठाऊंगी, तो अभी तक हम लोगों ने बॉक्स अनबॉक्स ही नहीं किया है और डायरेक्ट खुलेगा तो उनके दरबार में खुलेगा। वो क्या ट्रॉफी है वो? अरे हमें सब पता है भाई, हम पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ नहीं है, अनपढ़ पुलिस नहीं है, से किसी को बुला लीजिए। दो नंबर की तरफ से आइए, इधर से सामने ले सकते हैं। तो हम चल पड़े 2 नंबर गेट पे। लिटरली गाइस बहुत बुरा लग रहा था। और क्या होना था, फिर वही हुआ कि हमें इस गेट पे भी रुका दिया गया। तो उन्होंने दरगाह कमेटी के लोग को बुलाया, उन्होंने काफी टाइम उनको समझाने के बाद 2 ऑफिसर और आ गए। तो फिर उनको भी हमको समझाना पड़ा कि हमको ये YouTube की तरफ से मिला अवार्ड है।
चीज कर रहे हैं, तब भी नहीं मतलब। और ऐसे भी नहीं कि कुछ ऐसा गलत चीज है, उनकी अच्छा चीज है, उन लोग को दिखाया भी कि YouTube के तरफ से मिलता है ये वगैरह वगैरह सब कुछ, तभी भी दिक्कत हो गई। नहीं नहीं ये तो अच्छी बात है, इसमें देख ले। उनको बॉक्स दे के प्रॉब्लम हो रहा तो हमने डिसाइड किया कि बॉक्स ही रख देते यहाँ पे, तो फाइनली हम लोग ने विदाउट बॉक्स ही लेके हाथ में लेके ऐसे चल पड़े। वो जहाँ क्या बोलते कदम बोशी करवाते वहाँ गया था, मैंने 10 मिनट रखा था, वो खाते बोल रहा था मैं रख दूँ, मैं उनकी गोदी में ही था और हम लोग कदम बोशी कर रहे थे। ऐसा किसी यूट्यूबर का भी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं होगा जैसा आया हुआ है, थोड़ा मुश्किल हुआ आने में पर अभी ठीक है। अभी हम लोग ने सोचा कि मेन जो एक नंबर गेट है वहाँ पे जाएंगे ना दा, एक नंबर बुलंदी गेट है वहाँ पे जा रहे हैं अभी, वहाँ फोटोज वगैरह निकालेंगे और सभी का रिएक्शन देखेंगे क्या है क्या नहीं। ये देखो ये एक नंबर गेट, कि आप सब ने देख चुका है कि क्राउड में इतना हालत खराब हो गया जैसा आधा, और हमने सोचा था कि वीडियो बनाएंगे, वैसे वीडियो नहीं बन पाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज की हमें बहुत खुशी है, ये पहली बार सरकार के दरबार में गया है और कम से कम 5 मिनट तक तो दरबार के अंदर ही था। जो कदम पोशी करते हैं ना हम, हाँ। वहाँ पर मैं जियारत कर मतलब चूम के उठी और उतने में ये प्ले बटन खादिम के गोदी में ही रख दी, उन्होंने वो भी लेके ही बैठे थे, फिर उसके बाद में सब जन उन्होंने क्या क्या फिर उधर रख दिया, ऐसे रखने के बाद में 5-6-7 मिनट तक मैं भी उधर बैठा था, तो फिर वो बोलते क्या हुआ अभी तो जा, तो फिर वो बोल मैंने लगा बोलते तो मुझे बोलते चाहिए तुझे, मैंने ठीक है हाँ चाहिए मुझे, बहुत मेहनत से मैंने बोलते ठीक है। तो वो 10 मिनट तक मतलब वहाँ पे ही रखा था, समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात है, आज तक किसका ऐसा हुआ नहीं। प्ले बटन ये जो डायमंड बटन है किसी का भी आज तक शायद ही गया होगा बाहर तक या कुछ, लेकिन ये तो जो कदमकोशी करते ना वहाँ तक गया है। हमने एक मन्नत मांगा था कि ओपन वहाँ पे ही करेंगे, पर पड़ा हमको यहाँ पे ही, मतलब उनके चौकट पे ही करना पड़ा, चौकट पे हाँ, ओपन तो हमने अजमेर आ गए तो मतलब उनके चौकट पे आ ही गए, तो ओपन किधर भी करे दिल से होता है ना कुछ भी। लेकिन एक चीज है, उन्होंने बॉक्स मना करे लेकिन हाँ। ये बटन तो मैं जरूर लेके गई अंदर हाँ। और लेके भी गई और अंदर तक लेके गई, मैं इतना नहीं सोची थी कि अंदर तक भी लेके जा सकती हूँ। हम लोग ने सोचा था कि बाहर ही बनेगा और तो डायरेक्ट एकदम अंदर, तो डायरेक्ट उनके एकदम ऐसे मैं ऐसे ही रख दी थी। और भाई लोग नहीं होते ना एकदम हालत खराब, भाइयों ने हम लोगों को बहुत सपोर्ट करे, अल्लाह इनको अच्छा रखे, और इतना बोलती हूँ ना एक बॉडी गार्ड क्या कैसे क्राउड को संभाल रहे थे माशाल्लाह बहुत अच्छे से। और पिछले वीडियो में भी भाई है, पर अगर वो वीडियो आप लोग को देखना है तो वो भी कमेंट में जरूर बताना, कितना एक साल पहले का ब्लॉग है अभी तक एडिट नहीं हुआ है, तो वो भी बहुत जल्द आएगा। अगर आप दोनों को भाई लोग बहुत शुक्रिया आपका।
भाई लोग यहाँ से ही है, जिसको भी मिलना है अजमेर से कॉन्टेक्ट करो, और काम रहेगा तो ही कॉन्टेक्ट करना, परेशान करने के लिए नहीं करना। कभी भी आप अजमेर आओ, भाई लोग फुल दिल से सपोर्ट करते हैं, आप लोग की भी सपोर्ट करेंगे। मैं इनकी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी खादिम से हमारी बात हुई है, हम लोग को थोड़ा वीडियो बनाना का था जरा सा, और फोटो वगैरह हमने सोचा कि उधर लेंगे, पर अभी वो चीज नहीं होगा क्योंकि अभी चिरागी का टाइम हुआ है और खादिम ने बोले कि नमाज का भी टाइम है। तो ये बात तो है कि हम नमाज को रोक के तो ये सब चीजें नहीं कर सकते, तो हमने बोले कि हम रात में 12 बजे के बाद में सब फोटोज वगैरह निकाल। अभी हमें खादिम का कॉल आया, फिर अब्बा जाते वो खादिम का कॉल आया, वो बोले कि हम लोग 4 नंबर गेट पे है तो तुम वहाँ पे आ जाओ। तो वो बोले कि तुम ये अंदर लेके जा सकते हो। तो देखते हैं अभी हमें फाइनली अंदर जाने मिलेगा पूरा बॉक्स लेके कि नहीं। 2 सिल्वर और 2 गोल्डन और आधा रेडी हो चुकी है। आधा क्या बोल रहे, अभी फाइनली अपने को अंदर जाने मिलेगा कि नहीं? अभी तो हम लोगों को वापस से खादिम का कॉल आया जो मेरे डैडी के खादिम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो खादिम मिले थे उन्होंने भी हमको पूरा के पूरा अंदर लेके, जब बॉक्स नहीं अंदर लेके जाने दिए, सिर्फ डायमंड, क्योंकि बॉक्स बोले थे उन्होंने कि लॉकर में रख दो, तो फिर हम लोग ने लॉकर में रख के सिर्फ डायमंड बटन लेके गए थे। अभी इनका कॉल आया, इन्होंने बोले कि अंदर बॉक्स के साथ में तुमको लेके जाता हूँ। तो देखते हैं वापस से ज़ियारत होती है हमारी या नहीं। 2 सिल्वर और 2 गोल्डन वो भी लेके जा रहे हैं क्योंकि हमने ये पूरा बाहर ही रख दिए थे। चलो अब मिलते हैं आगे, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आधा अंदर जा रही है बात करने के लिए, वो खादिम साहब आ रहे आधा के साथ में, तो फिर हम लोग अंदर जाएंगे। और ये 4 नंबर गेट भाई, अभी फाइनली जाने मिलेगा कि नहीं? अभी लगता है तो देखते हैं, अंदर जाने देते नहीं देते। तो अभी तो अंदर गई हुए बात करके आ रहे हैं, अपने खादिम के पास गए बात करने, देखते हैं अंदर जाने मिलता है कि नहीं। तो फिर होना क्या था, फाइनली हमें दरगाह कमेटी से परमिशन मिल गया। इधर जाने के बाद फिर से उन्होंने हमको रुका दिया, उनको लगा कि हमारे पास कोई परमिशन नहीं है। पर अंदर से खादिम साहब आए, उन्होंने परमिशन दिखाया। वो कहते हैं ना कि सबर करो, सबर का फल मीठा होता है। फिर होना क्या था, फाइनली हम अंदर चले गए। सबने वीडियो में देखा, फिर से हमने अभी बकायदा एकदम क्या बोलते परमिशन लेके अंदर गए, परमिशन लेके चारों प्ले बटन और ये अपना डायमंड बटन के साथ अंदर गए। जो डैडी के खादी में उन्होंने हमारे लिए दुआ करे, उनके हाथों से ओपन करे और बहुत सारी दुआएं दिए। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने बैठ के उनके ऑफिस में ना, और वो भी वीडियो में आपको दिखने में देख ले रहेंगे, वीडियो में आपने देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। आपने वीडियो में पहले ही देख लिया है, आप भी हम लोग बहुत ज्यादा थक गए, मगर हिमारी कर रही है वीडियो में जितना हमने सोचे थे एकदम आसानी से जो होगा वो आसानी से बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन बोलते ना मुश्किल से मिलता है लेकिन बहुत अच्छा मिलता है, ये चीज हमारे साथ हुआ। 2 बार हमारा प्ले बटन अंदर गया, हम अंदर गए और फिर उसके बाद में चारों बटन अंदर आए। जो 2 भाई हमारे साथ में जो मेहनत करे जब से पहले से लेके अभी तक, देख सकते हो मेरे भाइयों को बहुत मेहनत इनकी भी थी क्योंकि वो सब उठा के लेके आना और फिर बहुत परमिशन वगैरह लेना पड़ा, लेकिन हो गया। मुश्किल था, इतना भी मुश्किल नहीं था। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। तो क्या करना पड़ेगा, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब, सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसने अभी तक हमारा शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जाइए शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लव यू ऑल, बाय।